अगर समाज में सर उठा के चलना है ना और इज्जत की रोटी खानी है तो आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो करना होगा अब सबसे बच, पहला डाउट जो बच्चों का आता है कि सर ग्रुप डी में हमें ट्रैक मैन की नौकरी नहीं करना इसके अलावा कुछ भी मिल जाए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरे 80 नंबर हैं पचहत्तर नंबर हैं मैं हॉस्पिटल अटेंडेंट की मेडिकल अटेंडेंट की जॉब करना चाहता हूँ या स्टोर कीपर की मिल जाए या पॉइंट्स मैन मिल जाए ट्रैफिक में लेकिन मैं ट्रैक मैन की नौकरी नहीं करना चाहता तो ये मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करने वाला हूँ और बहुत सारे आपके जो कॉमन डाउट होते हैं ग्रुप डी से रिलेटेड वो सारे सॉल्व होंगे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ अनिल सिंह राजपूत आई बिलोंग टू सागर मध्य प्रदेश आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट एट ईयर्स एंड अभी मैं रेलवे में जॉब करता हूँ अभी मैं पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन मेरा मोटो है कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन देना और सही रास्ते पर ले जाना अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर ट्रैकमैन की नौकरी हार्ड है या मुझे करनी नहीं है या इज्जत की नौकरी नहीं है बहुत सारे डाउट आपके मन में आते हैं तो मैंने फिर फिर से मैं आपसे बोलूँगा अगर इज्जत की रोटी खानी है और समाज में सिर उठाकर चलना है तो आपको जो भी नौकरी आपके सामने आती है वो आपको करना पड़ेगा है ना अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा अब सबसे पहले लगता है कि सर ट्रैक मैन की जॉब वाइट कॉलर जॉब नहीं है या फिर आर्म चेयर जॉब नहीं है अच्छी जॉब नहीं है या फिर पटरियों पर काम करना पड़ता है रेपुटेटेड जॉब नहीं है यह सब आपके मन में डाउट आता है तो मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप तीस हजार रुपये महीने कहीं और से कमा सकते हो ना तो बिल्कुल फिर गवर्नमेंट जॉब में मत आइए लेकिन आपकी फिक्स इनकम होनी चाहिए इनकम में वेरिएशन ना हो इनकम आपकी कम ज़्यादा होगी तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा आपका फिक्स इनकम होना चाहिए कि आप अगर तीस हज़ार रुपये महीने कहीं और से कमा रहे हैं तो आप जॉब को बिल्कुल ज्वाइन मत करिए कहने को देखो अभी एक लाख तीन हज़ार वैकेंसियाँ आई हैं उसमें से पचास परसेंट वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर फोर ग्रेड की हैं तो मतलब आपने अगर नहीं भी डाला होगा ना ट्रैक मैन तो भी आपको मिलेगा ए और बी मेडिकल कैटेगरी वालों को वो ट्रैक मैन ही देते हैं आप कहोगे सर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस तो नहीं है तो अब ये बताइए जब उनके पास मेडिकल अटेंडेंट पॉइंट्समैन वाली पोस्ट नहीं बचेंगी तब क्या करेंगे क्या करेंगे आप आप नौकरी छोड़ देंगे तो मेरा कहना ये है कि इस विभाग में आके भी डिपार्टमेंटल या फिर आप स्टेट के एग्जाम देकर आगे बढ़ सकते हैं लेकिन आप इतना सुनहरा मौका अगर गवा देंगे तो आप लाइफ में पीछे हट रहे हैं अपने आप को पीछे हटा रहे हैं अगर आपने इस नौकरी को स्किप करके छोड़ के चार पाँच साल और टाइम दिया तो सोचिए आप कितने पीछे चले गए और आपको फिर भी मन की नौकरी नहीं मिली मन की नौकरी क्या होती है मैं डी ऑफिस में गया था ना जहाँ से मेरी ज्वाइनिंग होनी थी वहाँ के बाबू भी क्या बोलते हैं कि अच्छी नौकरी नहीं है बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनको कंप्यूटर से माउस से क्लिक करने में बहुत मेहनत लगती है तो फिर फील्ड में वो क्या करेंगे वो फील्ड में तो काम ही नहीं कर सकते तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस विभाग में है जितने बड़े पद पर है किसी भी पद पर है उसको कभी भी अपनी नौकरी अच्छी नहीं लगेगी तो मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैकमैन की जॉब बहुत अच्छी है हार्ड वर्किंग जॉब है आपको पसीना बहाना पड़ेगा खून पसीने की कमाई है उसमें लेकिन इसमें आप पढ़ाई करके थोड़ा बहुत अपने ऊपर मतलब जीवन का सार अगर आपको लेना है ना कि हम जमीन से जुड़े हैं हम इंसान हम क्या हैं आपकी सच्चाई क्या है ह्यूमन क्या है ये आपको जानना है तो आप इस नौकरी को ज्वाइन करिए और इस नौकरी में रह के आगे बढ़िए तो आपको लाइफ लेसन भी मिलेगा और आप दूसरे लोगों के लिए कह सकते हैं कि कुछ निशानियाँ भी छोड़ जाएंगे कि मैं इस पोस्ट से कहाँ तक आगे बढ़ा और आपकी एक फ़िक्स इनकम हो जाएगी और कहने का मतलब ये है कि आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं तीन साल में आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए एग्जाम देने को मिलता है अभी तो जैसे जीडीसी एग्जाम हो रहा है जीडीसी मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो उसमें रेलवे ने क्या किया है कि आप एग्जाम एक महीने पुराने हैं एक महीने भी आपने ज्वाइनिंग किए हुआ है तो आप एग्जाम दे सकते हैं है ना तो आप फाइट कर सकते हैं स्टेट के एग्जाम दीजिए या फिर जो भी आपकी ड्रीम जॉब है इसमें रह के आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ जाइए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अपनी ड्रीम जॉब के चक्कर में लोग पाँच पाँच छः छह साल आ, मतलब वेस्ट कर देते हैं उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं आता अच्छा बुरा क्या है मान लो कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ किसी को पुलिस में जाना है एम पुलिस में जाना है तो उसको नौकरी की सच्चाई नहीं पता कि वो नौकरी है कैसी बस उसको जाना है वो तो उसको जाकर पता चलेगा ना किसी को पटवारी बनना है किसी को टीचर बनना है तो उस विभाग में एंट्री करके ही आपको उसके फ़ायदे और नुकसान पता चलते हैं कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं है वो हमारी मानसिकता पर डिपेंड करती है तो आप अच्छी मानसिकता से अगर जाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं बहुत सारे लोग अभी ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर में सेलेक्ट हुए हैं और आगे बढ़े हैं या फिर जिन्होंने स्टेट के एग्ज़ाम निकाल के अच्छी नौकरियाँ ली हैं कोई टीचर बना है आगे बढ़ा है तो ऐसा नहीं है बस आपको लगे रहना है और हार नहीं माननी है और बस मेरा आपसे इतना ही कहना है नौकरी हार्ड है नौकरी करना है आपको तो बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा उसके बाद आपको खाने पीने का भी अरेंजमेंट करना अरेंजमेंट करना पड़ता है और उसके अलावा आपको पढ़ाई भी करनी होती है बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर जज्बा है अगर आपने पाँच छः साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली है ना तो इस जॉब को करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी अगर किसी की फर्स्ट अटैम्प्ट में नौकरी लग जाए बहुत आसानी से जिसको नौकरी मिल गई हो ना उसके लिए तो ये रहेगा कि ये मतलब नौकरी अच्छी नहीं है जिसने मेहनत से ली है आप ग्रुप डी का पेपर उठा के देखिए ऐसा आता है जैसे उनको वैज्ञानिक बनाना हो साइंटिस्ट बनाना हो हर चीज़ वो पूछ लेते हैं एनसीआर टी नाइन्थ टेंथ का साइंस पूछ लेते हैं मैथ्स भी अच्छे लेवल का आता है आजकल तो उस एस एस सी का लेवल टच करता है ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में ठीक है तो बस मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप लोगों के बहकावे में ना आए मैं आपको बिल्कुल भी मिस गाइड नहीं कर रहा हूँ लेकिन इतना कहूँगा कि अगर आपको समाज में सिर उठाकर चलना है इज्जत की रोटी कमानी है और लाइफ में और आगे बढ़ना है लाइफ लेसन लेना है तो आप जॉब को ज्वाइन करिए उसके साथ आगे बढ़िए पढ़ाई करते रहिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसी में रहना है आगे बढ़ना है अब यार आईपीएस आईएएस कलेक्टर जैसी नौकरियां लोग छोड़ देते हैं रोमन सैनी सर ने अन अकेडमी प्लेटफॉर्म बनाया था उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जॉब छोड़ी थी है ना दिव्य कीर्ति सर जो हैं उन्होंने भी सचिवालय में नौकरी की थी उसके बाद छोड़ दिया था उनको पढ़ाना अच्छा है तो वो उनके साथ वालों ने कहा कि सर इस नौकरी में कुछ नहीं रखा तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत बड़े पद पर पहुँच गए तो आपका जीवन सफल मतलब बैलेंस हो गया जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे दूसरी परेशानियाँ आपको भी झेलनी पड़ेंगी है ना तो छोटा बड़ा काम कोई नहीं होता है ना आ, लेकिन अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं या फ्री बैठे हैं तो आपकी वैल्यू समाज में कुछ नहीं है समाज के ख़ुद की नज़रों में नहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ तो आपको करना है आप सौ रुपये दिन कमाइए है ना तो भी चलेगा आप मेहनत करिए फ्री नहीं रहना है है ना अगर आपको किसी भी नौकरी में मतलब कह सकते हैं कि अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप दूसरा काम पकड़ लीजिए लेकिन कुछ ना कुछ काम करते रहिए पाँच छः साल इन्वेस्ट करके और अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप किसी काम के नहीं बचते लिटरली मैं बता रहा हूँ तो आपको बिल्कुल एंड तक बने रहना है संघर्ष करते रहना है और जीवन में आप एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे और बस इतना ही कहूँगा कि रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ देखो टैलेंटेड व्यक्ति को, को कोई नहीं रोक सकता टैलेंटेड व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं अपना स्थान जरूर बना लेते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट है कुछ ना कुछ आपके अंदर एक्स्ट्रा है तो आप लाइफ में कभी भूखे नहीं मरेंगे और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा जरूर अच्छा कर लेंगे तो उम्मीद है वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है अगर एक भी बात आपके माइंड में क्लिक करी हो तो आप वीडियो की वैल्यू का वर्थ समझिए और दूसरे लोगों तक शेयर करिए है ना मेरा मकसद है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेजेबल और वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करूँ ताकि आप अपने जीवन में कुछ अलग कर पाएँ इसके पहले रेलवे में जॉब करने के पहले मैं सात आठ साल टीचर रहा हूं तो मैंने बहुत सारे लोगों की नैया पार लगाई है बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो अभी भी मेरा मकसद यही है कि मैं जब तक रहूं जब तक जान है तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं आपकी लाइफ में कुछ ऐड करता रहूँ आपको कुछ नया सिखाता रहूँ अगर वीडियो किसी को आप ध्यान से सुनते हो ना अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है तो ये मान लो कि आप बहुत कुछ सीखोगे है ना स्किप तो बहुत सारे लोग कर देते हैं लेकिन जो सुनता है ध्यान से वो लाइफ में बहुत कुछ सीखता है तो उम्मीद है वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा बढ़िया लगा होगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए चैनल पर नए व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार